सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे भाई लोग। क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सारे लोग? वापिस आ चुका है तुम्हारा भाई एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज जिसके बारे में तुम्हारा भाई बात करने वाला है उसके बारे में देसी आंटी से लेकर नोटी अमेरिका तक सारे लोग इनको जानते हैं, एंड वो है हमारी नन अदर देन मॉमी रचना। तो इनके फैन तुमको गाँव से लेकर गली तक और गली से लेकर बाथरूम तक हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि ये है मॉमी रचना। Nobody, nobody, nobody does it better. तो जॉनी सिंस भी इनके साथ काम करने के लिए इनको बेसब्री से ढूंढ रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारी रचना मॉमी या मॉमी रचना किसी मियां खलीफा से कम तो है नहीं। वैसे तो ये अपने हाफ बॉयफ्रेंड इनके बेटे के साथ वीडियो बनाती है। लेकिन कभी कभी अपने पति और उसकी बेटी को भी ले लेती है ताकि उनको बुरा ना लग जाए। और इनके घर में मुझे सबसे समझदार बस एक ही इंसान लगता है और वो है इनकी बेटी। बेचारी फालतू में पीसी जाती है और इसके पति का तो पूछो ही। वैसे भी वीडियो में आने के लिए बेचारा पहले दो राउंड लेता है उसके बाद वीडियो में आता है, क्योंकि भर भर के बेचारे को गाली अलग पड़ती है कमेंट सेक्शन में। अब ये कौन बोल रहा है अच्छी फसल हमेशा कीड़े ही खा जाते हैं बे। अब देखो यार, इस वीडियो को बनाने का वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था और ना ही कोई इंटेंशन, बट पापी राम खोरो पेट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो हमारी ना के इतने बड़े हैं, पति की बात कर रहा हूँ भोसड़ी वालों, साला गंदा ही सोचते हो तुम। उनके पति इतने बड़े हैं कि हमारी मॉमी रचना उनकी बेटी जैसी लगती है, और ये सब देख के लोग बोलते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर है, जो कि मुझे नहीं लगता गलत है, बट जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। सालो सुधर जाओ रे कमेंट करने वालों भोसड़ी वालों। मतलब कुछ सोचते हो नहीं सोचते हो, बेंच बेचारे उसकी क्यों गांड मार रहे हो बिना बात के। अनमोल तो है भाई। क्या मुझे तो लगा मॉमी रचना। खैर छोड़ो यार, क्या ही बोलू मैं, अब कितना गंदा आदमी हूं मैं। अरे चाचा जल्दी पकड़ लो वरना इंडिया की सारी चुड़ैल छोड़ के पहली फ्लाइट लेके भाग जाएगी कि हमसे खतरनाक डायन कौन आ गई। जब उम्र ढल जाएगी ना तब समझ में आएगा कि उम्र ढल जाएगी। अरे चिच्चा आपको ऊपर जाने में सिर्फ दो चार दिन बाकी है, आप खुद को कहां हमारी मोमी रचना से कंपेयर कर रहे हो भाई। कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे, इसका मतलब पिछले कमेंट भूल गए लोग क्या बोलते हैं भाई। बेचारे बच्चे पर जबरदस्ती टंग रही है, वो खुद उतारने के लिए कर रहा है बहन चुत, कहीं पता चला बीच में खड़ा हो गया। इतना गंदा हो गया हूँ भाई मैं, इतना गंदा हो गया हूँ। छी यार आप एक माँ है क्यों, मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? बाप का तो पता नहीं पर ऐसी हरकतें करके पाप जरूर कर रहे हो, इतना तो मैं कहना चाहूंगा। दिस इज माय ओपिनियन। क्या मतलब तेरा ओपिनियन से किसी को जाट फर्क नहीं पड़ता। मेरा अंबानी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को इंटरनेट देना सख्त बंद करे, इन भोसड़ी वालों को बैन करो, ये पूरे देश को बिगाड़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख के लोग सुधर जाएंगे। क्या शरारत कर रहा था साले, हमारी मॉमी रचना के साथ साले रील बना के जाके चुपचाप अपने कोने में बैठ जाया कर, जैसे तेरा पापा बैठे थे। तेन जो कांड ये करते हैं बेचारा पीजिस का बाप रहा है। बेचारी इसकी बेटी भी लाइक मम्मी यार क्या चूतिया बा करते रहते हो, भाई तक तो ठीक था बहन, मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद है। उसकी शक्ल देखो तुम, लिटरली तुमको यही लगेगा बेंचो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है बेंचो। बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या ये बस करे जा रही है बेंचो, जबरदस्ती में खाना नहीं मिलेगा वरना शाम में रात में आज। अरे 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 मॉमी रचना आराम से यार, इतना और नहीं होके कहाँ जाओगे। हम तो चीज ही ऐसी है दोस्त। नहीं ये 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 तो मानना पड़ेगा चीज तो है, देखो जिसे लोग देखते ही कहते कि ये तो औकात से बाहर है। लेकिन औकात के बाहर ना 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 ना, ये गलत बोल दिया भाई। साले यूं बोल निचोड़ दिया पूरा, सूखे हुए आम तेरे से ज्यादा बेटर होते भोपड़ी वाले। हाल तो बढ़िया है देख बेटा, अगर तूने एक बार और हमारी मॉमी रचना को छुआ तो मैं तेरी चाल बिगाड़ दूंगा।
साले रील बनाने के लिए बुलाती है, रील बना और चुपचाप जाके अपने कोने में बैठ, ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है। पर भाई एक चीज है, लोंडे की हिम्मत माननी पड़ेगी भाई, ऐसी हरकतें करने के बाद इसका कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का बड़ा मन कर जाता है भाई। मेरा तो भाई मैं कोने में चुपके बैठ जाऊँ बेंचो, कोई प्रिंसिपल डांट दे तो कोने में चुपके बैठ जाऊँ मैं बेंचो। यहाँ तो ऐसी हरकतें करने के बाद भाई स्कूल जा रहा है रोज, वो भी भाई सब क्लास में कैसे फेस करता होगा भाई लोंडो को। इसकी क्लास में क्या माधवचोद लोंडे पैदा नहीं होगा मेरे जैसे? मतलब मेरी क्लास में अगर ऐसा ऐसा एक आध मिल जाए, मैं उसकी गांड मार मार के बहन चोद दू भाई कसम। अरे मैं आ तो रहा था, तुमको नीचे आने की क्या जरूरत थी? चलो कोई नहीं, आ गए तो शुरू करो काम। अब देखो तुम लोगों से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये चाहती है कि हम इसके बारे में गलत सोचे, क्योंकि अगर तुम लोग खुद देखो, अगर ये नहीं चाहती ऐसा तो ऐसे एक्सप्रेशन कभी नहीं देती, और इवन ना कोई ऐसे वीडियो बनाता है। साले तू फिर आ गया, अभी बोला ना तो को जाके कौन, तेरे पापा ने झाड़ू लगा दे जाके पोछा लगा, चुपचाप चल। एक तो इनका एक किचन डांस बहन चोत, ये बहुत बड़ी वाली कौन सी मूवी ऐसी जो सिर्फ किचन में आके ही होती है भाई। खैर मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, छोड़ो यार। और अब भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखो, इसमें गाना कितना सोच समझ के लगाया हुआ है। जो लोग नहीं भी सोचना चाह रहे हैं उनके दिमाग में भी एक मतलब ये लोग कपल है, क्योंकि ये अपनी इमेज ही पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं लाइक कि मतलब ये लोग कपल है उस हिसाब से, तो फिर लोग क्या ही सोचेंगे बताओ। और फिर बोलते हैं कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारी सोच गंदी। अरे तुम साले हरकतें कैसी है तुम्हारी? दोस्तों हमने ना यहाँ पे खा भी लिया और घूम भी लिया। रहने दे भाई, लोग कैमरा मैन ही बेइज्जती कर रहे हैं, बगजा चूतिया फ्रेम मत बिगाड़ भोसड़ी वाला, चल निकल यहाँ से माधवचो। मतलब मैं इतना बोल दिया उसके मन में था, बट वो मैं बोल दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, बाय बाय। सलोना छगन है भाई, सलोना छगन। ओ भाई धोखा भाई, मुझे लिटरली इसकी आंखें स्टार्टिंग से मुझे इसकी आंखों में मतलब कितनी प्यारी लग रही थी भाई, लिटरली कुछ देखेगा तो वही लगेगा। बहन चो धोखा हुआ है मेरे साथ भाई, धोखा साले पे डेफामेशन का केस ठोक दूंगा। ये एक वो कृष्णा है जिसको देख के अपने आप सर झुक जाता है भाई, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये बड़वा ये भाई भाई, अगर कृष्ण भगवान का नाम नहीं होता ना यार भाई, मैं बहुत बुरा बोलता भाई, मैं इसकी गांड फाड़ देता बहन चोद। पर एक बात जरूर बोलूंगा, कृष्ण भगवान को देख के मूड कितना ही खराब हो सही हो जाता है, इस भड़वे को देख के कितना ही मूड अच्छा हो इसकी मां चुप जाती है मूड की। साले भग जाए ऐसे बंदरों की बिरादरी से निकाले हुए मच्छर। खैर यार किसी को हेड देने की जरूरत नहीं है, वो भी टाइम पास कर रहे हैं, हम भी टाइम पास कर रहे हैं, खैर हमारी बात तो सुन के लोगों को हंसी आ जाती है थोड़ी बहुत। एंड अगर वीडियो को कोई पार्ट बेस्ट लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, एंड अगर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना प्लीज। एंड जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में तुम लोग को क्या कमी लगी ये बताना मुझे, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बता देना। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, राधे राधे।